वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं हूं आपकी जानवी और ये है सहज। यस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज हमारा दिन बहुत अर्ली स्टार्ट हुआ है और मौसम इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है कि बस क्या ही बताऊं। तो हम उस लाजवाब मौसम में कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं, चीज़ें इन द सेंस कि हम ऐसी जगहों पे लेकर जाएंगे जहां हम कुछ 6-7 साल पहले रहा करते थे, और रहा करते इन द सेंस कि शहर जहां रहते थे वो अपनी चीज़ें बताएंगे और जहां मैं रहती थी वो कुछ आपको दिखाऊंगी। तो आप हमारे साथ शायद इन्जॉय कर पाएंगे। तो चलो अब हम चलते हैं। और बाकी का अपडेट ये है कि खाना वाना हो चुका है, नाश्ता वगैरह हो चुका है और सब काम वाम हो गए हैं। तो आज हम थोड़ा फ्री थे तो सोचा आज हम आप सबको पुरानी यादों से तरोताज़ा कराते हैं। तो चले जाते हैं आपको एक अच्छे मौसम के साथ, एक अच्छी यादों में लेके चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ। अगर आपको बताऊं तो मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और वो मेरी जो डिग्री क्रॉस्ड हुई थी वो 2014 में कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद से 2015 मैं अपने वहीं करनाल होम टाउन में रही एक साल। देन थॉट कि क्या करना है, कैसे करना है। देन मेरे को हुआ कि चलिए मैं कैट करती हूँ एंड मैं कैट करूँगी चंडीगढ़ से। तो देन आई डिसाइडेड टू कम हेयर इन 2016। तो मैं 2016 में ही मूव ऑन हो गई थी चंडीगढ़ यानी जीरकपुर में। तो सबसे पहले जो मैं रही थी वो मैं रही थी यहाँ पे पंचकुला सेक्टर 11 में। और जब मैं आई थी तो मुझे मेरे फादर छोड़ने आए थे। आपको पता ही है शुरू शुरू में जब हम कहीं पे भी न्यू सिटी में मूव ऑन होते हैं तो पेरेंट्स कितने ज़्यादा पोजेसिव होते हैं या टेंस होते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे है। एंड उस टाइम में थोड़ा ऐसा भी होता था कि कॉलेज से पास आउट हुए हैं, पेरेंट्स को होता था कि बच्चे अभी भी कॉलेज से निकले हैं, कोई एक इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं पेरेंट्स के मन में। हो सकता है आप लोग भी ये चीज़ को रिलेट कर पाएँ। तो ऐसा ही हुआ कि पापा मुझे ड्रॉप करने के लिए आए। इवन तो पेरेंट्स भी नहीं, सिर्फ पापा आए थे, मम्मा नहीं आए थे। तो सिर्फ पापा मुझे ड्रॉप करने के लिए आए, पीजी वगैरह देखा। वो हमारे एक अंकल हैं जो यहाँ रहते हैं तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे सेक्टर 11 में फ़र्स्ट पीजी जो मिला वो मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब मैं जहाँ जहाँ शुरू से रही हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। बस मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम आने का क्या एक्सपीरियंस या क्या चीज़ रहती है। तो वो आप वो उन फीलिंग्स को समझना, उन फीलिंग्स को आप महसूस करके देखना जो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी शुरू करते हैं सेक्टर 11 पंचकुला से। देखी होगी। अब मैं जा रही हूँ मतलब उस तरफ जिस तरफ मेरा पहला पीजी था, जहाँ मुझे मेरे पापा ड्रॉप करने के लिए आए थे। और वो जो अंकल थे वो अंकल पहले मतलब सेक्टर 15-16 में रहते थे, जो जिन्होंने मुझे यहाँ पे मतलब पीजी दिलवाया था, जिन्होंने हमारी सपोर्ट करी थी पहली बार। तो अब मैं आपको उस गली में लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको मैं एक बार। वो ये गली है जहाँ पे मेरा पहला पीजी था। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप मेरी आवाज़ से भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसे है ना, मतलब कैसी वो फील को महसूस कर पा रही हूँ। तो मैं अभी आपको वो फ्लैट भी दिखाती हूँ जहाँ मैं रहती थी। ये वाली वो कोठी है जहाँ पे मैं रहती थी, ऊपर रहती थी मैं ना, ऊपर रहती थी बिल्कुल ऊपर। वहाँ वो वाली छत पर हमने बैठना, वहाँ गर्मियाँ हो जानी शुरू है ना, और मुझे वो लगना क्या कहते हैं, हाँ वो जो ऊपर देख रहे हो ऊपर, वो ये प्लेस पे मैंने बैठ जाना और हमें गर्मी लगनी और वो चिड़ियाँ होती थी, बहुत बहुत मज़ा। और यहाँ पे मतलब इस वाले मोड़ से, ये वाले मोड़ से सहज ने आना और मुझे फ़ोन कर देना मैं आ रहा हूँ। अप्रॉक्स मैं रही हूँ कोई 7-8 महीना इस पीजी में रही हूँ, और 7-8 महीने इतना फ़न किया। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके,
वो सब देख के कि अच्छा अभी भी है यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूम्स, ये वो है ना, सब लिखा होता है, क्योंकि जो जिन्होंने शुरू से ही सोचा होता है कि रेंट पे देना है या कुछ करना है, और तो वो ऐसे ही होता है। एक बार मैंने ये वाली कोठी भी पता करी थी, हाँ ऊपर अभी भी लिखा हुआ टूलेट फॉर गर्ल्स, तो बट वो मिल नहीं पाई थी उस टाइम पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ मैंने पीजी चेंज करने के बाद मतलब शिफ्ट किया था, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वाले फ्लैट पे लेके चलती हूँ। फ्लैट नहीं था वो, भी कोठी थी, लेकिन वहाँ हमें एक रूम लेके रहते होते थे, तो अब मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। ये पार्क आ चुकी है जहाँ पे मैं फुल ऑन सैर किया करती थी, फुल ऑन ये वाले कपड़े वाले, और यहाँ मैं रहती थी दूसरे पीजी में। ये मेरा दूसरा पीजी है और ये पार्क है, इतनी सैर की है कि कोई हद नहीं। और इसके मोमेंट्स ऐसे हैं कि मैं जब यहाँ पीजी में रहती थी तो यहाँ पे सहज आ जाते होते थे, हम वॉक करते थे इकट्ठे और फुल ऑन इन्जॉय करना, और यहाँ पे मिलने आ जाते थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, हमने यहाँ पे रात को खाना खाने के बाद सैर करनी है ना, और कभी कभी पैदल निकल जाना आइसक्रीम खाने के लिए। हाँ अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जहाँ पे सहज रहते थे, जहाँ से सहज आते थे ना, तो मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। पीजी चेंज किया है एक्चुअली में, क्या होता है थोड़ा सा ना, ये लड़कियाँ रिलेट कर पाएंगी जो यहाँ पे या अपने शहर से दूर आके कहीं पीजी में रहने आती हैं, तो वो रिलेशन ये है कि हमें ना पीजी एक अच्छा नहीं मिल पाता, अच्छा इन द सेंस कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है जिसे हम कहते हैं, वो हमारे तरीके का नहीं होता। जो लड़कियाँ ड्रिंक नहीं करती हैं या जो लड़कियाँ मतलब हुहा हा हा अल्लाह नहीं करती है ना, जो बहुत मैच्योर्ड टाइप होती हैं, तो वो मेरा वाला वो टाइप था, मतलब रिजर्व टाइप जो लड़कियाँ होती हैं, तो मैं वैसे वाले टाइप लड़की हूँ, तो मुझे वैसा नहीं मिल पाता था, तो मुझे बहुत पीजी चेंज करने पड़े। तो मैं यहाँ पे तकरीबन रही एक या डेढ़ महीना ही हूँ, बट रही हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ सहज कहाँ रहते थे। तो अब हम चलते हैं उस तरफ, सहज रहते थे इस गली में। तो अब हम जहाँ जा रहे हैं वो उनकी भी मैं आपको कोठी दिखा, सहज की कोठी नहीं है बेसिकली बेसिक, बट जहाँ सहज रहते थे वो मैं दिखाती हूँ आपको। सहज रहते थे इस वाली कोठी में, ग्रे वाली कोठी में। ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि सहज मुझे बताते थे जब हम रहते थे हम गुम हो जाते थे, इसको सारे रूम्स हैं इसमें, बहुत सारे रूम्स हैं, और इसके अंदर मतलब तकरीबन कितने बॉयज़ रहते थे, 15-20 बॉयज़ रहते थे, और इतने सारे रूम्स हैं इसमें, पता ही नहीं लगता था कि क्या है कैसे करके कौन कहाँ रह रहा है क्या है, तो बड़ी एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी कोठी थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सहज का भी। बोलो सहज आप क्या कहना चाहते हो अब। जब तक 11 में थी ना जानवी, जब मैं नया नया था, हमारे पास स्कूटी बाइक कुछ भी नहीं था, पैदल ही घूमते रहते थे हम। हाँ। फिर एक दिन मैं सफारी लेके आया जी, फिर हम सफारी ना यहाँ पार्क करते थे, ये वाली पार्किंग में पार्क होती थी यहाँ पे। हाँ। क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी, कोई खड़ी नहीं करने देता था, सारे गाड़ी घर के बाहर लगाते थे। हाँ। तो यहाँ खड़ी करते थे हम सफारी। अब तो वो खैर सफारी भी नहीं रही, वो सेल कर दी। हाँ। बट बहुत सारी यादें हैं यहाँ की यार, बहुत सारी यादें है ना, पैदल भी आया करते थे यहाँ पे ना, बहुत सारी जगह है जहाँ जहाँ मिलते थे, हम परौंठे खाते थे वो दिखाता हूँ, छोले भटूरे खाते थे और चाय वगैरह पीने, यहाँ पे एक मंदिर है वो भी दिखाते हैं आपको। हाँ, कभी कभी सहज उधर आ जाते थे तो वहाँ पार्क में सैर कर लेते थे रात के टाइम पे, चलो थोड़ा बहुत घूम लिया, डिनर टाइम पे सैर भी हो गई और मिल भी लिए। बट जब मैं इधर आती थी मॉर्निंग के टाइम पे, सपोज कभी मेरी छुट्टी है तो मैंने आ जाना, तो यहाँ पे हमने यहाँ इस जगह पे ना, ये जगह पे वो होती थी, इस तरफ वो लगा होता था, छोले भटूरे वाला बैठता था है ना, वो खाने आ जाना, परांठे आपको बताते हैं, यहाँ ये मंदिर था, और ये मार्केट में हमने इतना फन किया। ये जो पेड़ है ना, पेड़ के पास जहाँ पे अभी स्विफ्ट लगी हुई है, यस, यहाँ पे हमने चाय परौंठे बहुत कुछ खाया, समोसे वगैरह,
फुल ऑन एंजॉय किया, फुल ऑन मजे किया यहाँ, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है पुरानी यादें ताजा करके। सच में आप भी किसी की पुरानी यादें तो प्लीज जरूर ताजा करने जाना जब आपकी शादी हो जाए। यहाँ पे ना बीच में जहाँ सहज रहते थे वहाँ उसकी उसी गली में जैसे अभी एक मंदिर आएगा आपको दिखाती, ये रहा वो मंदिर। इस मंदिर की एक बहुत अच्छी याद है, वो याद ये है कि जब सहज और के फ्लैट पे या कोठी पे पानी नहीं आता था ना, तो सहज यहाँ से पानी की बॉटल्स या कैंपर्स फिल करके लेके जाते थे। तो वो मेरे को उन्होंने बताना, कह रहे हैं आज पानी नहीं आ रहा तो मैं भर के लेके आ रहा हूँ या मैं भर के लेके आता हूँ। जब हम फ़ोन पे बात करते थे काफ़ी घंटों बात करनी, तो सहज उसी दौरान अपना ये जो है ना काम भी कर लिया करते थे। और मतलब बहुत अच्छा लगता था ना सहज वो एक टाइम, बाकी बहुत। और कुछ आपको एक बात बताऊँ, आज हम इन यादों को इन्जॉय भी इसलिए कर पा रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा रीज़न शादी हो गई है, दूसरा ये कि मौसम बहुत अच्छा है यार। कहीं बड़ी पैसों की दिक्कत होती थी तो हम गुरुद्वारे भी जाते थे, अभी दिखाते हैं आपको गुरुद्वारा। हाँ, लंगर चखने वो भी दिखाते हैं आपको, आ जाओ। ये है वो गुरुद्वारा जहाँ पे हम कभी पैसे ना होने करके या ये लगा लो कि कभी मन नहीं है तो हम यहाँ गुरुद्वारे आते थे लंगर चखने के लिए। तो बाबा जी आपकी बहुत कृपा रही है, आशीर्वाद से ही शायद आज आप एक हो गए। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको पंचकूला 15 सेक्टर के बाद मैं कहाँ रहने आ गया था। मैं आ गया था एक सोसाइटी में और सोसाइटी का नेम था रॉयल मेंशन। तो ये रूट वहीं का है, ये पीर मुछल्ला में जीरकपुर। और मेरा ये था कि मैं यहाँ रहने लग गया अपने फ्रेंड के साथ, और जानवी को जॉब मिल गई खरड़ में। हाँ। जानवी चली गई दूर मेरे से। अच्छी जॉब मिल गई थी। हाँ। और उसके बाद कभी कभार जान भी आती थी। हाँ। संडे वगैरह को तो हम घूमते फिरते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम समोसे खाते थे, यहाँ पे रेडी लगती थी, अब इनकी दुकान है। तो उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सामने वाली सोसाइटी देख रहे हो वहाँ रहता था मैं। हाँ दिखाता हूँ मैं फ्लैट भी। ये थी वो सोसाइटी जहाँ पर मैं रहता था, अभी बाहर से रूम भी दिख जाएगा, जो रूम ले रखा था मैंने EWS 1 BHK, तो वो दिखाता हूँ आपको। ये बने हुए हैं वो रूम्स, और ये वाला 11 नंबर यहाँ पे मैं रहता था। अभी भी दरवाजा खुला है, अभी भी कह रहे हैं रह लो रहना, तो बट अब मैं जा नहीं सकता। और ये देखो, ये यहाँ पे छप्पड़ होता था पूरा। और ये वो यादें हैं पुरानी इस सोसाइटी में, पहली बार मैं सोसाइटी में रहा था यहाँ पे आके, जब मैं ये 2016 की बात है ना, 16 के एंड में। हाँ 2016 में मैं आया था मई में। हाँ। और उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था। हाँ। और उससे पहले तो चलो उसके पहले का स्ट्रगल आपको फिर कभी बताते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उससे पहले का स्ट्रगल इनका है और मेरा इसके बाद क्या, जब ये यहाँ आए तो मैं जब खरड़ चली गई तो मैं सारी चीज़ें आपको खरड़ में दिखाऊंगी, वो नेक्स्ट व्लॉग। और फिर मैं भी बताऊंगा कि मैं जब तक इसको मिला नहीं था उससे पहले मैं भी खरड़ में रहा करता था बहुत पहले, तो 2014-15 की बातें हैं, तो वो भी आपसे जल्दी शेयर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और वो व्लॉग देखते हैं कब हम कर सकते हैं उसको कवर। हाँ, और ये मार्केट हुआ करती थी तब जब आप यहाँ आए? नहीं। अच्छा। मैं बता चुका हूँ ना ऑलरेडी, यहाँ पे तो छप्पड़ होता था सारा। अच्छा। ये मार्केट सारी बातें बनी है, और अब ये सारी बातें आपको बताते तो मुझे लग गई है भूख। और हम वो जो समोसे पहले खाते थे ना, वो समोसे खाते हैं। हाँ। और उसके बाद आपसे विदा लेते हैं, इसी तरह आपको नए व्लॉग्स के साथ मिलते रहेंगे। बढ़िया बढ़िया, आप कर दो साइन ऑफ। हमारे चैनल को, इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल। सहजानवी एंटरटेनमेंट।